Welcome all of you. So today we are going to start a new topic, antibody structure and function. This topic will come inside the immunology. So abhi aapko pata hi hai ki pure world mein kya chal raha hai, COVID-19 ka outbreak. So ye COVID-19 kya hai? Ye actually ek corona virus hai. Aur ye corona virus kaise infect karta hai apne body ko, theek hai? Aur isse aap kaise bachoge? Aur iske against aapki immunity system kaise kaam karegi? To ye hum is एंटीबॉडी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन से आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है? तो इसीलिए हमको ये टॉपिक पढ़ना है। तो पहले हम एंटीबॉडी का मीनिंग क्या है इससे चालू करेंगे। तो एंटीबॉडी क्या है? ये पॉलीपेप्टाइड की एक चेन है, पॉलीपेप्टाइड चेन है जो सीक्रेट होती है, जो सीक्रेट करता है प्लाज्मा सेल। अब ये प्लाज्मा सेल क्या है? प्लाज्मा सेल ये बी लिम्फोसाइट से बनती है। सो बी लिम्फोसाइट फर्दर जाके कन्वर्ट से प्लाज्मा सेल एंड मेमोरी सेल में, प्लाज्मा सेल एंड मेमोरी सेल। और ये प्लाज्मा सेल क्या करता है? एंटीबॉडी फॉर बनाता है। और मेमोरी सेल्स क्या करेगी? एंड जो एंटीजन मींस कोरोना वायरस जो अपने अंदर आ चुका है बॉडी के अंदर, तो उसको पहचानने का काम करेगी मेमोरी सेल। सभी एंटीजन्स को पहचानने का काम क्या करती है? मेमोरी सेल करती है, ठीक है? तो अभी सेकंड पॉइंट लेते हैं हम कि ये जो एंटीबॉडी है इसको आप गामा ग्लोबुलिन भी बोल सकते हैं, और जिसको ये हम बोलते हैं इम्यूनो ग्लोबुलिन। ये कहां पे प्रेजेंट रहते हैं? ये प्रेजेंट रहते हैं सीरम ऑफ ब्लड, ये ब्लड के सीरम में प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है? देयर आर टू मोड ऑफ इम्यूनिटी रिस्पॉन्स। टू मोड ऑफ इम्यूनिटी रिस्पॉन्स फर्स्ट है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी रिस्पॉन्स, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी रिस्पॉन्स, और दूसरा है ह्यूमरल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। इम्यून रिस्पॉन्स ये सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स ये फर्स्ट लाइन डिफेंस का काम करती है। मीन्स जब एंटीजन हमारे बॉडी के अंदर आ चुकेगा, तब पहले तो इसको सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स क्या करेगी? उसको किल करने का काम करेगी। इसको इसलिए बोलते हैं हम फर्स्ट लाइन डिफेंस, ठीक है? तो यहां पर जो एंटीबॉडी के अलावा जो भी हमारे इम्यूनिटी के सेल है, तो यहाँ पे ये वर्क करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वर्क करते हैं न्यूट्रोफिल, जो कि फैगोसाइटोसिस करती है। फैगोसाइटोसिस बोले तो इंगल्फ करना, ठीक है? फिर उसके बाद एनके सेल्स और डेंड्राइटिक सेल, और ये ह्यूमरल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स क्या है? ये ह्यूमरल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स ये आगे जाके कन्वर्ट होता है दो रिस्पॉन्स के अंदर वापस, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम इम्यून रिस्पॉन्स और इसमें है एंटीबॉडी इम्यून रिस्पॉन्स। अभी देखिए क्या होता है यहां पे कि जब हमारे बॉडी के अंदर एंटीजन आ जाएगा, तब वहां पे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस काम करेगी। अगर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस से भी वो एंटीजन बच चुका है, ठीक है, तब हमारी सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस जो ह्यूमरल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स है वो यहाँ पे वर्क करेगी। और वो कैसे वर्क करेगी कि एंटीजन क्या करेगा? टी हेल्पर सेल को क्या करेगा? स्टिम्युलेट करेगा बॉडी के अंदर। फिर टी हेल्पर सेल क्या करते हैं? टी हेल्पर सेल जाके स्टिम्युलेट करते हैं किसको? बी लिम्फोसाइट को। तो बी लिम्फोसाइट को स्टिम्युलेट करने के बाद बी लिम्फोसाइट सीक्रेट क्या करता है? एंटीबॉडीज, ठीक है? सो एंटीबॉडीज वाई शेप स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर कैसा? वाई शेप। तो देखिए यहां पे कैसा है, ठीक है? वाई शेप। ये जो रीजन है इसको हम वेरिएबल रीजन बोलते हैं, और इसको ही आप
एफएबी डोमेन भी बोल सकते हैं और एफएबी रीजन भी बोल सकते हैं, ठीक है। और ये जो रीजन है इसको आप कांस्टेंट रीजन बोलते हैं, ठीक है, कांस्टेंट रीजन। तो अभी देखिए ये वेरिएबल रीजन ये चेंज होता रहता है। अभी ये कैसा चेंज होगा, ठीक है, ये जैसे ही एंटीबॉडी आपके बॉडी के अंदर एंट्री करेगी तब एंटीबॉडी एंटीबॉडी के ऊपर रहते हैं एपिटोप्स रीजन, ठीक है, और सॉरी ठीक है। अभी देखिए ये एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर है और ये इसको बोला है मैंने वेरिएबल रीजन। वेरिएबल रीजन ये चेंज होता रहता है। ये चेंज क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे एंटीजन के ऊपर रहता है एपिटोप रीजन और एंटीबॉडी के ऊपर रहता है पैराटोप रीजन। अभी एंटीजन की अपना शेप चेंज करते रहेगी तो इसीलिए एंटीबॉडी को भी वेरिएबल रीजन में उसका स्ट्रक्चर जो है अमीनो एसिड के सीक्वेंस जो है वो चेंज करते रहना चाहिए, क्योंकि इसीलिए तो वो डिफरेंट डिफरेंट एंटीजन को रिकॉग्नाइज कर सकेगी, इसलिए हमने इसको नाम क्या दिया है वेरिएबल रीजन, ठीक है। और इसको ही हम बोल सकते हैं फ्रैगमेंट ऑफ एंटीजन बाइंडिंग, फ्रैगमेंट ऑफ एंटीजन बाइंडिंग। और ये जो रीजन रहता है कॉन्स्टेंट रीजन, इसको आप बोल सकते हैं एफसी रीजन, ठीक है, उसको बोलते हैं आप फ्रैगमेंट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। अभी देखिए ये अकॉर्डिंग टू दिस, अभी ये जो मैंने टाइप बोला है ये है मोनोमेरिक एंटीबॉडी का, क्योंकि सिंगल एंटीबॉडी है। और ऐसे ही एंटीबॉडी अगर पांच रहेगी तो वो पेंटामेरिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। अभी देखिए पांच कैसे रहती है, तो अभी देखिए ये मैंने यहाँ पे निकाल रहा हूँ मैं पेंटामेरिक एंटीबॉडी, ठीक है। तो ये पांच एंटीबॉडी से बना है, इसलिए आप इसको पेंटामेरिक स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। ये ऐसा ही मोनोमेरिक अगर पांच कंबाइन होगा एक में को तो इसको आप बोलते हैं पेंटामेरिक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसको आप बोलते हैं पेंटामेरिक स्ट्रक्चर। तो ये है पेंटामेरिक स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी, ठीक है। अभी ये मोनोमेरिक जो रहता है इसमें देखिए दो वेरिएबल रीजन है, इसलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं मोनोमेरिक रीजन को ही हम डायवेलेंट बोलते हैं। डायवेलेंट इसलिए बोला है हमने इसको क्योंकि इसके अंदर दो क्या है वेरिएबल रीजन है, मीन्स ये दो वेरिएबल रीजन क्या करेंगे एंटीजन को बाइंड करेंगे, इसलिए हमने इसको क्या डायवेलेंट बोले। तो आप इसको क्या बोलेंगे फिर, आप इसको बोलेंगे डेकावेलेंट, क्योंकि इसके अंदर एक के अंदर अगर दो है तो पांच के अंदर क्या आएगा दस, क्या आएगा दस रीजन आएगा जो कि एंटीजन बाइंडिंग को रिकॉग्नाइज कर सकेगा, ठीक है। तो अभी ये पेंटामेरिक देखा हमने, अभी हम देखेंगे डायमेरिक। अभी डायमेरिक देखिए, ये डायमेरिक को एक जे चेन बाइंड करता है, जे चेन इसमें बाइंड कर चुका है यहाँ पे, ये है डायमेरिक, सॉरी डायमेरिक। सो अभी देखिए आप कुछ एंटीबॉडी मोनोमेरिक है, कुछ पेंटामेरिक है, कुछ डायमेरिक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस हमने एक क्लासिफिकेशन किया है किसका एंटीबॉडी का। तो एंटीबॉडी के कितने कितने टाइप्स है, ठीक है। तो एंटीबॉडी के फाइव टाइप्स है, फाइव टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी। तो कौन कौन से, तो आईजीजी, क्योंकि हम एंटीबॉडी को क्या बोलते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन, IgM, IgD, IgE और IgA, ठीक है। अभी आपको इसको अगर ध्यान में रखना है तो आप इसको कैसे ध्यान में रख सकते हैं, आप इसको ध्यान में रख सकते हैं एक सरनेम जिसको आप बोलते हैं गामड़े, ठीक है। तो गामड़े ये मराठी का एक सरनेम है, तो इससे हम
इसको ध्यान में रख सकते हैं, जी ए एम डी ई। अभी देखिए हमने एक सीक्वेंस से इसको लिखा है और आपको इसी सीक्वेंस में इसी पैटर्न में इसको ध्यान में रखना है क्योंकि ये आगे जाके हम एक कौनसिल भी क्राइटेरिया में इसको देखेंगे। तो देखिए पहले हमने जी लिखा है, फिर ए लिखा है, फिर एम लिखा है, फिर डी लिखा है, फिर ए डी लिखा है, तो इसलिए मैंने इसको एक सरनेम दिया है गामड़ी। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस मोनोमेरिक का जो एंटीबॉडी है ये आईजीजी के क्लास में आएगा। ठीक है, पेंटामेरिक है वो आईजीएम के अंदर आएगा। ठीक है, और जो डायमेरिक है वो आईजीडी के अंदर है। ठीक है, अभी देखिए हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं मोनोमेरिक एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर, जो जिसका एग्जांपल हम देख रहे हैं आईजीजी। अभी यहाँ पे देखिए दो चेन है, एक चेन मैंने बहुत ही बड़ी निकाल ली जिसको मैंने बोला है हेवी चेन, और दूसरा है लाइट चेन। ठीक है, एक हेवी चेन है, एक लाइट चेन है। अभी ये जो हेवी चेन है, ये हेवी चेन का मॉलिकुलर वेट है, हेवी चेन का मॉलिकुलर वेट है 100 किलो डाल्टन। ठीक है, और जो लाइट चेन का मॉलिकुलर वेट है वो है 50 किलो डाल्टन। तो इसलिए मेरे पूरे पूरे टोटल एंटीबॉडी का मॉलिकुलर वेट है 150 किलो डाल्टन। ठीक है, अभी ये जो हेवी और लाइट चेन है, तो यहाँ पे देखिए ये दो पॉलीपेप्टाइड से बनी है। ठीक है, एंटीबॉडी एक हेवी पॉलीपेप्टाइड, एक लाइट पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, तो ये कैसे है मेरा आईजीजी, ये एक टू पॉलीपेप्टाइड से बनी है, चेन से बनी, जो कि हमने अभी देखा हैवी चेन और लाइट चेन। अभी देखिए ये वाला जो पार्ट है वो वेरिएबल रीजन हमने पहले एक्सप्लेन किया है, दोनों की साइड में होगा वेरिएबल रीजन, ये वाले साइड में भी, ये वाले साइड में। अभी ये वेरिएबल रीजन है इसीलिए यहां पे मैं बोल रहा हूं ये क्या है, हेवी वेरिएबल। ठीक है, और ये लाइट की चेन है इसलिए ये लाइट वेरिएबल। ठीक है, अभी देखिए ये जो वेरिएबल वाला रीजन था और उसके नीचे वाला रीजन था वो रीजन है कॉन्स्टेंट रीजन। कौन सा रीजन है वो, कॉन्स्टेंट रीजन। मैं लाइट यहां से ड्रॉप कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि मुझे कॉन्स्टेंट रीजन बताना है यहां पे। ठीक है, ये है कॉन्स्टेंट रीजन। और यहां पे दिखा देता हूं कि ये लाइट चेन। अभी ये कॉन्स्टेंट रीजन वापस तीन पार्ट में डिवाइड है, ये CH1 कॉन्स्टेंट है यहां तक। ठीक है, ये CH2 है और ये CH3 है। ठीक है, और ये जो है ये लाइट रीजन है। ठीक है, कॉन्स्टेंट लाइट। ठीक है, वैसे यहां पे वेरिएबल हैवी। ठीक है, हैवी वेरिएबल और वेरिएबल हैवी। ठीक है, और ये जो है वेरिएबल लाइट और ये वेरिएबल हैवी, और ये वापस CH1, ये CH2 और ये CH3। अभी ये पॉलीपेप्टाइड की चेन है, ठीक है, जो कि प्रोटीन की चेन है, और प्रोटीन का एक टर्मिनल रहता है NH3 टर्मिनल और दूसरा टर्मिनल रहता CO नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, एंड टर्मिनल जिसको बोलते हैं और दूसरा बोलते हैं आप कार्बन टर्मिनल, तो यही एंड टर्मिनल और कार्बन टर्मिनल इस साइड में दिखा रहा हूं। ठीक है, एंड टर्मिनल और कार्बन टर्मिनल। ठीक है, सी टर्मिनल। ठीक है, अब देखिए यहां पे ये जो चेन है हेवी चेन, ये भी दो हेवी चेन अटैच होगी डायसल्फाइड लिंकेज के साथ। ठीक है, और ये जो हेवी और लाइट चेन है ये भी डायसल्फाइड लिंकेज के साथ ही अटैच होगी, तो ये है डायसल्फाइड बॉन्ड और डायसल्फाइड लिंकेज। ठीक है, सेम। अभी देखिए यहां पे ये डायसल्फाइड लिंकेज से अटैच है। ठीक है, अभी देखिए अगर मैंने यहां पे एंटीबॉडी को ट्रीटमेंट दिया बीटा मरकैप्टो इथेनॉल से, ठीक है, बीटा मरकैप्टो इथेनॉल से अगर मैंने इसको ट्रीट किया, तो वहां पे मुझे
जब मैंने उसको ट्रीट करने के बाद वहां पे डाइसल्फाइड बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे और डाइसल्फाइड बॉन्ड ब्रेक होने के बाद मुझे वहां पे दो स्ट्रैंड मिलेंगे, एक तो हेवी स्ट्रैंड और एक लाइट स्ट्रैंड। तो ये मैं देखूंगा पेज में, ठीक है, पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में, क्योंकि हम प्रोटीन को प्रोटीन के बैंड देखते हैं पेज के अंदर, ठीक है। तो ये पेज के अंदर मैंने यहाँ पे देखा, तो मुझे यहाँ पे टू बैंड दिखाई दिए, एक तो मेरा हेवी बैंड था और दूसरा था लाइट बैंड। तो इसलिए मुझे पता चला है कि यहाँ पे एक हेवी चेन है और एक लाइट चेन, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे अभी ये जो हेवी चेन है वो 440 अमीनो एसिड से बनी रहती है, ठीक है, और जो लाइट चेन है वो 220 अमीनो एसिड से बनी रहेगी। मींस ये प्रोटीन है, प्रोटीन बने रहते हैं अमीनो एसिड से, तो इसके अंदर 440 अमीनो एसिड है और इसके अंदर 220 अमीनो एसिड है, ठीक है। अभी जो वेरिएबल चेन है उसको ही मैंने क्या बोला है, फैब। पिछले लेक्चर में मैंने बोला था, ठीक है, कि फैब पिछले टॉपिक में, ठीक है, फैब मीन्स फ्रैगमेंट ऑफ एंटीजन बाइंडिंग, मीन्स यहाँ पे क्या होगा, एंटीजन बाइंड होगा, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे डाइसल्फाइड बॉन्ड दिखा रहा हूँ क्योंकि मेरा अभी ये डाइसल्फाइड बॉन्ड, ठीक है, मैंने यहाँ पे दिखा है, ठीक है। अभी ये देखिए ये फैब है जिसको हमने फ्रेगमेंट ऑफ एंटीजन बाइंडिंग बोला, वेरिएबल रीजन। ये वेरिएबल रीजन हाइपर वेरिएबल रहता है, मीन्स वेरिएबल रीजन के अंदर हाइपर वेरिएबल रीजन रहता है जिसको हम कॉम्प्लीमेंट्री डिटरमाइनिंग रीजन। और ये सीडीआर रीजन ये कहाँ पे रहता है, ये वेरिएबल रीजन में रहता है, ये यहाँ पे लाइक दिस, तो इसके भी वजह से क्या होता है, मेरा एक एंटीबॉडी डिफरेंट एंटीजन को क्या कर सकता है, रिकॉग्नाइज कर सकता है। ये CD1 है, ये CD2 है कॉम्प्लीमेंट्री डिटरमाइनिंग रीजन 2, ये CD3 कॉम्प्लीमेंट्री डिटरमाइनिंग रीजन 3, ठीक है। तो अभी देखिए हमने ये एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर है यहाँ पे हमने चालू किया है, ये 2 पॉलीपेप्टाइड चेन से बना है, यहाँ पे एक हेवी चेन है, एक लॉन्ग चेन है, हेवी चेन 100 किलो डाल्टन से बनी रहती है जिसके अंदर 440 अमीनो एसिड रहता है, लाइट चेन 50 किलो डाल्टन से बनी हुई रहती है जिसके अंदर 220 अमीनो एसिड रहते हैं। हेवी चेन और लाइट चेन ये दोनों भी एन टर्मिनल और सी टर्मिनल से खत्म होते हैं, यहाँ पे ये देखिए हेवी चेन है एन टर्मिनल से चालू हो रही है, सी टर्मिनल पे जाके खत्म हो रही है, क्योंकि ये प्रोटीन है, ठीक है। तो इसके बाद में हमने देखा है दोनों भी चेन हेवी चेन एक मेक के साथ डाइसल्फाइड बॉन्ड से ही लिंक रही है, और हेवी एंड लाइट चेन भी कैसे लिंक रही है, डाइसल्फाइड बॉन्ड से। तो यहाँ पे हमने ये पूरा देखा, अभी ये जो है ये CH1 से CH3 तक ये है कॉन्स्टेंट रीजन, ठीक है, और इसको ही आपने क्या बोला था, फ्रैगमेंट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, यहाँ पे एक CHO ग्रुप भी रहता है, ठीक है, जिसको कार्बोहाइड्रेट ग्रुप बोलते हैं। ये CHO ग्रुप आगे जाके कॉम्प्लीमेंट सिस्टम कैरी आउट करेगा, कॉम्प्लीमेंट कैस्केड चलाएगा, ठीक है। अभी देखते हैं हम फंक्शंस ऑफ एंटीबॉडीज, ठीक है, अभी फंक्शंस ऑफ एंटीबॉडी देखने वाला है। रेसिप्टेशन ये सभी एंटीबॉडीज करते हैं, अग्लूटिनेशन एंड प्रेसिपिटेशन ये सभी एंटीबॉडी करते हैं। क्या होता है, देखिए एक एंटीजन होगा, ठीक है, वहां पे क्या करेंगे, एंटीबॉडीज आके बाइंड करेंगे, ये एंटीबॉडी यहाँ पे बाइंड हो चुका है, ठीक है, और वो क्या करेगा, उसको अग्लूटिनेशन करेगा, ठीक है, यहाँ पे वो एंटीबॉडी ने क्या किया, अग्लूटिनेशन किया, ठीक है। अग्लूटिनेशन सिंपली बाइंडिंग ऑफ एंटीजन टू द एंटीबॉडी, ठीक है, तो यहाँ पे अग्लूटिनेशन हो चुका है,
बाइंडिंग हो चुका है, उसके बाद इसका वेट ज्यादा होने की वजह से वो क्या होगा, प्रेसिपिटाइज हो जाएगा, और प्रेसिपिटेशन ये कहा होता है ब्लड स्ट्रीम के अंदर, ठीक है। फिर एक बार इसका वेट होने से ज्यादा होने की वजह से वो सेटल डाउन हो गया ब्लड स्ट्रीम के अंदर, ब्लड सिस्टम में, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, वो ब्लड सिस्टम थ्रू रिमूव हो जाएगा, ठीक है। अभी देखिए सेकेंड फंक्शन है हमारा ऑक्सोनाइजेशन इज नथिंग बट टेकिंग प्रे टू द प्रेडेटर, तो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे ये एंटीबॉडी जो है वो एंटीजन को बाइंड हो जाएगा, ठीक है। ये एंटीजन को यहां पे ये एंटीबॉडी बाइंड हो चुका है, ठीक है। ये एंटीजन है और ये एंटीबॉडी है, ठीक है। एंटीबॉडी ये बहुत स्पेसिफिक रहते हैं, वो स्पेसिफिक एंटीजन को ही बाइंड होते हैं, इतना ध्यान में रखना। तो ये एक बार बाइंड हो चुका है तो फिर ये कहां पे लेके जाएगा, न्यूट्रोफिल के पास, और न्यूट्रोफिल क्या करेगा, उसको एंगल्फ करेगा। एंगल्फ करने का प्रोसेस को बोलते हैं फैगोसाइटोसिस, ठीक है। फैगोसाइटोसिस किया इसने, ठीक है। अभी तीसरा फंक्शन देखते हैं, थर्ड फंक्शन, ठीक है। एक्टिवेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट कैस्केड, ठीक है। अभी देखिए यहां पे क्या होगा, जो हमने बोला था एंटीबॉडी के अंदर क्या रहता है, CHO ग्रुप, और CHO ग्रुप क्या करता है, कार्बोनेट ग्रुप, ये क्या करेगा, कॉम्प्लीमेंट कैस्केड को एक्टिवेट करेगा, ठीक है। और आगे जाके किसके अंदर चला जाएगा फिर वो एंटीबॉडी, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के अंदर, और कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में भी वो क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट सिस्टम कैरी आउट करता है और कैस्केड कैरी आउट करता है, ठीक है। एंटीबॉडी का, ठीक है, चौथा जो फंक्शन है एंटीबॉडी का, एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मेडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी, जिसको आप बोलते हैं ADCC, एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मेडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी। अभी ये क्या करेगा, एंटीबॉडी है, ये एंटीबॉडी बाइंड हो चुका है इसको एंटीजन को, ठीक है। एंटीजन को बाइंड होने के बाद ये एंटीबॉडी लेके जाएगा एंटीजन को कहां पे, मींस एंटीबॉडी बाइंड होगा न्यूट्रोफिल सेल पे, ठीक है, सॉरी न्यूट्रोफिल नहीं, एनके सेल, ठीक है, एनके सेल पे जाके बाइंड होगा, ठीक है, नेचुरल किलर सेल, और नेचुरल किलर सेल क्या करेगा, सिग्रेट करेगा, ये सिग्रेट करेगा पोरफोरिन एंड ग्रीन एंजाइम, ठीक है, पोरफोरिन एंड ग्रीन एंजाइम। तो ये पोरफोरिन एंड ग्रीन एंजाइम क्या करेगा, ये जो एंटीजन है ये एंटीजन को क्या करेगा, डिग्रेड करने का काम करेगा इसको, ये यहाँ पे डिग्रेड करेगा, डिग्रेडेशन की प्रोसेस हो रही है, ठीक है। तो ये पूरे के पूरे फंक्शन कैरियर होता है एक एंटीबॉडी। तो अभी हमने पहला फंक्शन देखा था कौन सा, ऑक्सोनाइजेशन, सॉरी अग्लूटिनेशन एंड प्रेसिपिटेशन वाला। तो अग्लूटिनेशन और प्रेसिपिटेशन ये हर एक एंटीबॉडी करती है, ये फंक्शन कॉमन है सभी एंटीबॉडी के अंदर। ऑक्सोनाइजेशन यहाँ पे कैरियर हो चुका है IgG के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद एक्टिवेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट कैस्केड, ठीक है, जो क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट सिस्टम कैस्केड को कैरियर करता है। और चौथा फंक्शन था हमारा एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मेडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी, ठीक है। अभी ये यहाँ पे पूरे पूरे फंक्शन खत्म हो चुके हैं एंटीबॉडी के, और हमने यहाँ पे ब्रीफली डिस्क्राइब किया है IgG एंटीबॉडी को। ऐसे ही अगर दो एंटीबॉडी रह गए जो डायमेरिक फॉर्म है, ठीक है, जिसको हमने बोला IgD, ठीक है, वैसे ही अगर पांच एंटीबॉडी रह गए तो उसको बोला है IgM, ठीक है, जो कि पेंटामेरिक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे आपको अगर यहाँ पे बुक रेफर करना है तो आप यहाँ पे कौन सी बुक रेफर करेंगे, कूबे ऑफ इम्यूनोलॉजी। थैंक यू।